हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैथ चैप्टर 8 ऑफ क्लास सेकंड। आज हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे क्लास सेकंड का। चैप्टर 8 इज टाइम एंड कैलेंडर। टाइम एंड कैलेंडर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी लुकिंग एट द कांसेप्ट ऑफ हाफ एंड आवर, हाफ और एंड आवर, एंड आल्सो अबाउट डेज एंड मंथ्स ऑफ एंड इयर्स। हम लोग हाफ एंड आवर्स क्लॉक में देखते हैं एंड डेज एंड ईयर जो होते हैं मंथ्स ऑफ ईयर में देखते हैं ये। सो फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर टाइम टू हाफ पास्ट आवर, फॉर हाफ पास्ट फोर के बारे में भी जानेंगे। एन आवर हैज 60 मिनट्स, वन आवर इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट्स, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। दस हाफ एंड आवर, हाफ एंड आवर इट मीन्स एक जो आवर होते हैं, एक घंटे जो होते हैं, वन आवर इक्वल टू 60 मिनट, सो हाफ एन आवर इट मीन्स 30 मिनट। 60 को डिवाइड करेंगे 2 से तो वो 30 मिनट्स हो जाते हैं। सो वी विल हैव विल बी हैव विल हैव 30 मिनट्स, इसको क्या बोलेंगे हम, दस हाफ एन आवर विल हैव 30 मिनट्स। वन आवर हैज 60 मिनट्स एंड हाफ एन आवर इट मीन 30 मिनट्स। एंड द टाइम इन द अबव कॉज विल बी रिटन एज 7:30। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। आवर फॉर्म में यहाँ पे 7 o'clock, सो राइट 7 o'clock एंड अनदर फॉर्म 7 o'clock। एंड हाफ एंड आवर जो होते हैं इसमें 7:30 सो कर रहा है हमारा वॉल क्लॉक जो है, यहाँ पे 7:30 सो कर रहा है, सो हाफ पास 7 इट मीन 7:30। अनदर फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वन फॉर्म इज हाफ एंड हाफ पास 7 एंड अनदर फॉर्म इज 7:30। नेक्स्ट है डेज ऑफ द वीक, सप्ताह में डेज जो होते हैं उसके बारे में जानेंगे। अ डेज इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट ऑन फुल रोटेशन इट्स एक्सिस। डेज जो होते हैं ये टाइम टेकन बाय द कंप्लीट फुल रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं अपने एक्सिस पे। यहाँ पे वन डेज हैज 24 आवर्स, वन डेज में कितने होते हैं, एक दिन में क्या हो जाते हैं आवर्स कितने होते हैं, सो 24 आवर्स। एंड वन वीक हैज 7 डेज, और वन वीक में कितने डेज होते हैं, सो वन वीक हैज 7 डेज। 7 डेज में कौन कौन सा हमारा आता है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, यहाँ पे संडे से डेज हमारा स्टार्ट हो, वीक्स जो होता है तो डेज स्टार्ट हो रहा है संडे से, तो संडे के बाद हमारा फर्स्ट संडे डे हो गया। उसके बाद हम लोग मंडे, सेकंड, ट्यूसडे, थर्ड, इस तरह से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड लास्ट जो होता है हमारा कौन सा डे आता है, सो लास्ट डे इज सैटरडे। नेक्स्ट टॉपिक इज टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे। टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे के बारे में जानेंगे। सो टुडे इज द प्रेजेंट डे, टुडे क्या होता है, प्रेजेंट डे होता है, जो हम लोग आज बात कर रहे हैं वो टुडे होता है। यस्टरडे इज द डे बिफोर टुडे, इट मीन्स यस्टरडे कौन सा डे होता है, तो टुडे जो आज जो बात कर रहे हैं उसके बिफोर, इट मीन्स के पहले, बिफोर में हम लोग पहले हमेशा जानते हैं कि बिफोर इट मीन्स के पहले, सो टुडे के पहले जो डे होता है, यानी कि आज का जो एक दिन पहले का जो दिन होता है वो यस्टरडे हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है यहाँ हमारा टुमारो, टुमारो इज द डे आफ्टर टुडे, टुमारो जो होता है डे आफ्टर, आफ्टर इट मीन्स के बाद, आफ्टर इट मीन्स के बाद, सो टुडे के बाद जो हमारा दिन आएगा वो हो जाता है टुमारो। एग्जाम्पल्स में यहाँ पे मैं बता रही हूँ, इफ टुडे इज मंडे, मान लिया जाता है कि टुडे आज क्या कौन सा दिन है मंडे, देन यस्टरडे वाज संडे, इट मीन्स यस्टरडे क्या हो गया, टुडे मंडे है तो मंडे का यस्टरडे क्या कर रहा है, वन डे बिफोर, एक दिन पहले, सो मंडे के पहले कौन सा दिन आ रहा है संडे, सो यस्टरडे वाज संडे एंड टुमारो विल बी यस्टरडे, इट मीन्स टुमारो आने वाला जो हमारा कल है, आफ्टर टुडे इट मीन्स टुडे के बाद जो दिन आने वाला है वो हमारा ट्यूजडे है। ये एग्जाम्पल्स हो गया, टुमारो टुडे इज मंडे, यस्टरडे वाज संडे एंड टुमारो विल बी ट्यूजडे। नेक्स्ट टॉपिक्स मंथ्स ऑफ द ईयर, मंथ्स कितने होते हैं ईयर में, सो देयर आर 12 मंथ्स, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, तो 12 होते हैं। जनवरी इज द फर्स्ट, जनवरी कौन सा मंथ होता है हमारा फर्स्ट मंथ, एंड दिसंबर जो दिसंबर होता है ये हमारा लास्ट मंथ होता है, और बीच में इसमें बहुत सारे मंथ्स आते हैं, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड लास्ट जो होता है हमारा वो दिसंबर। सो जनवरी कौन सा मंथ हो गया, फर्स्ट मंथ होता है, एंड लास्ट जो होता है मंथ वो कौन सा मंथ होता है, सो वो दिसंबर।
नंबर होता है. नेक्स्ट टॉपिक्स नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर. नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर. वी नो दैट 7 months है, हम सभी जानते हैं कि 7 months जो होता है 31 days. कैलेंडर जब हम लोग पुराना या नया कोई भी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग काउंट करते हैं कि 31st days वाला कितने मंथ्स होते हैं, तो 7 months होते हैं जिसमें 31st होता है. एंड जब ऑल्सो जो होता है एंड बाकी 4 months जो होते हैं, 4 months होते हैं वो 30 days का होते हैं. 4 ऐसे months होते हैं जिसमें 30 का महीना लगता है. एंड 1 month जो ऐसा होता है फरवरी जिसको बोलते हैं हैव 28 days. फरवरी जो होता है इसमें 28 days होते हैं. और अगर लीप ईयर हो, लीप ईयर एंड लीप ईयर फरवरी हैज 29 days. फरवरी लीप ईयर में कितने डेज का हो जाता है, सो 29 days का होता है. यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको हम एग्जांपल्स दे रहे हैं. 7 days, 7 months जो है हमारा 31st है, सो राइट 7 × 31 यानी 31 31. एंड अनदर जो है 4 months जो कितने का है, 30 का है, सो 4 × 30. एंड अनदर लास्ट जो है हमारा प्लस 1 month, यहाँ पे मैंने 1 month फरवरी के बारे में बताया है, सो 1 month × 28. 1 month में यहाँ 28 है, सो 1 month × 28. सो यहाँ 7 × 31 सो 217 प्लस 4 × 30 इक्वल टू 120 एंड प्लस 1 × 28 इक्वल टू 28. सो इसको जब हम लोगों ने ऐड किया तो यहाँ पे एडिशन कंप्लीट करके हमारा 65 डेज हुआ. अब देखेंगे इन अ लीप ईयर, ये तो जनरली जो हमारा ईयर होता है उसके लिए हो गया. इन अ लीप ईयर, लीप ईयर 7 × 31 वही हमारा रहेगा. 7 months जो होते हैं 31st day का होता है, प्लस 4 months जो होते हैं वो 30 days का होते हैं. एंड 1 month जो फरवरी हमारा जो होता है लीप ईयर में वो 29 days का हो जाता है. सो यहाँ पे 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 7 × 31 इक्वल टू 217 प्लस 4 × 30 इक्वल टू 120 प्लस 1 × 29 इक्वल टू 29. अब इसका एडिशन जो हम लोग निकालेंगे वो हमारा 366 days होगा. ये लीप ईयर में आता है एंड ये जनरली जो हमारा ईयर होता है उसमें 365 days होते हैं एंड लीप ईयर में 366 days होते हैं. अब है कैलेंडर की बारी. सो कैलेंडर, अ कैलेंडर इज अ चार्ट शोइंग द डेज. कैलेंडर क्या होता है, शो करता है. चार्ट है एक तरह का, वो क्या शो करता है, डेज शो करता है, दिन वीक शो करता है, सप्ताह एंड एंड मंथ्स. और क्या शो कर रहा है, वो महीना, मंथ्स इन अ ईयर. साल के जो मंथ्स होते हैं, डेज होते हैं, वीक्स होते हैं वो शो करता है कैलेंडर में. डेट क्या कर रहा है, सो डेट इट कैन बी यूज टू राइट द डेट फॉर एनी डे ऑफ द ईयर. डेट हम लोग कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानेंगे. अगर किसी भी साल का कोई दिन हमको शो करना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में मैं बता रही हूँ 2009 का कैलेंडर के माध्यम से. सो द मंथ्स ऑफ नवंबर, यहाँ पे नवंबर, मंथ्स ऑफ नवंबर यानी 11th मंथ हमारा नवंबर आता है. सो मंथ्स ऑफ नवंबर स्टार्ट ऑन अ फ्राइडे, स्टार्ट ऑन अ फ्राइडे इट मीन्स शुक्रवार. एंड द डेट इज रिटेन एज 1.11.2019. ये कैलेंडर हमारा 2019 का कैलेंडर था, इसीलिए उसमें शुक्रवार से जो नवंबर मंथ से स्टार्ट हो रहा है उसमें 1 तारीख है. 1 जो है डेट हमारा, 1 जो है हमारा डेज हो गया, डेट 11 मंथ्स एंड ईयर जो हो गया हमारा वो 2019 है. कैलेंडर ऑफ 2019 मैंने यहाँ ऑलरेडी राइट डाउन कर दिया है. और इसको दूसरे फॉर्म में हम लोग लिखेंगे नवंबर 1, 2019. ये हमारा डेट लिखने का तरीका होता है. सो नाउ टुडेज क्लास इज ओवर. योर होमवर्क इज प्रैक्टिस दिस चैप्टर. थैंक यू.